हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आपका अपना यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 2024 में जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, पिछला संडे को एग्ज़ाम हुआ था यार, तो एग्ज़ाम जब आप यार दिए हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा इसके बाद काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग होने के बाद आपको यहाँ पे कॉलेज चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट, हर आदमी का चाहत होता है कि गवर्नमेंट हमको चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए, ठीक है। तो झारखंड का कौन कौन सा टॉप लेवल का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज टॉप लेवल में आते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के मामले में हो, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे मैनेजमेंट के मामले में हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ के मामले में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हर एक चीज़ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप बने रहिए, लास्ट टाइम तक इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके अच्छे तरीके से। और इस वीडियो पे अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे सॉरी इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय को न बिताएं और हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉप लेवल का जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेज है आपका यहाँ पे, टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेजेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजेज इन झारखंड, ठीक है। झारखंड का टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा यार। सबसे पहले आपका यहाँ पे जीपी आदित्यपुर, जीपी का मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, ठीक है, जीपी आदित्यपुर। प्लेसमेंट के मामले बहुत अच्छा है यार, ठीक है। इसमें ब्रांच भी आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ठीक है, सिविल मिल जाएगा, तो जितने भी कोर ब्रांच है आपको यहाँ पे जीपी आदित्यपुर में मिल जाएगा। ये सब आदमी का सबसे बड़ा चाहत होता है, ठीक है। अगर पॉलिटेक्निक के बारे में हल्का सा भी नॉलेज है या फिर नहीं, तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट के मामले में। तो ये प्लेसमेंट के मामले में, पढ़ाई के मामले में, ठीक है, टॉप लेवल वन पे आता है, ठीक है, टॉप वन में कॉलेज आता है। सेकेंड आपका जो कॉलेज है टॉप टू पे, वो है जीपी धनबाद। कौन है आपका यहाँ पे? जीपी धनबाद। तो जीपी धनबाद टॉप टू में आता है, ठीक है। अगर इसमें ब्रांच के बारे में बात किया जाए तो इसमें ब्रांच है आपका पांच ब्रांच, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, डबल यानी इलेक्ट्रिकल हो गया आपका यहाँ पे, मेटलर्जी ब्रांच हो गया यार, और सीएससी ब्रांच हो गया कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टोटल पांच ब्रांच है। प्लेसमेंट भी आपका एकदम टॉप कैटेगरी का, अच्छे कैटेगरी का कंपनियाँ यहाँ पर आती है, और 70-80% प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। पढ़ाई के मामले में भी आपको यहाँ पे बेस्ट है पॉलिटेक्निक कॉलेज जीपी धनबाद। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे टॉप थ्री में जीपी रांची, ठीक है। इसमें भी आपको मिल जाएंगे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सीएससी है, ठीक है, चार ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है आपको। तो इसका ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा आता है यार। इसके बाद फोर्थ नंबर में अगर देखा जाए तो है जीपी निरसा, जो धनबाद में ही है, ठीक है। इसमें आपको तीन ब्रांच मिलेगा, एक हो जाएगा माइनिंग, ठीक है, इसको निरसा माइनिंग के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मैकेनिकल और एक है आपका यहाँ पे सिविल, ठीक है। तो तीन ब्रांच आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसका पढ़ाई बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम टाइट करके रखता है स्टूडेंट को, नहीं आपको आना है अटेंडेंस को लेकर, और हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ का मैनेजमेंट भी ठीक है। इसके बाद आपका अगर कॉलेज देखा जाए तो जीपी भागा, ठीक है, इसको भागा माइनिंग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे माइनिंग ब्रांच, इसके बाद आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच है, और एक है आपका फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये तीन ब्रांच यहाँ पे है, सीएससी है, फूड टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे माइनिंग ब्रांच है।
तो जीपी भागा, देखिए जीपी भागा में क्या होता है कि पढ़ाई में अगर देखा जाए तो उतना बेस्ट नहीं बोल सकते। हाँ, प्लेसमेंट के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, मैनेजमेंट अभी कुछ दिन से यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है, फैकल्टी उस टाइप का नहीं है, बट यहाँ पे टॉप में माना जाता है, ठीक है। अब क्या है कि आप यहाँ पे फिर एडमिशन ले सकते हो, आप यहाँ पे जीपी खुटरी में यार, ठीक है, जीपी खुटरी में आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल ब्रांच मिल जाएगा, और ऑटोमोबाइल ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है, ऑटो मोबाइल ब्रांच मिल जाएगा। ये आपका खुटरी में है, ठीक है, फुसरो रोड में जब जाइएगा, ठीक है, तो ये आपको कॉलेज मिलेगा आपको। तो ये टॉप लेवल का कुछ कॉलेजेज हैं आपको यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे चाहते कि हमको यहाँ पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि आपको जीपी आदित्यपुर मिले, इसके बाद जीपी धनबाद मिले, इसके बाद जीपी रांची मिले, जीपी निरसा मिले। ये चार कॉलेज पे सबसे पहले फोकस कीजिएगा। इसके बाद जीपी भागा हो गया, खुटरी हो गया, दुमका हो गया, ठीक है, लातेहार के बारे में बहुत लेट से सोचिएगा, बहुत तंदर कॉलेज भी है और बहुत खास पढ़ाई भी नहीं होता, प्लेसमेंट भी नहीं होता है वहाँ पर ज़्यादा, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर खोजिएगा आप यहाँ पे, फिर जगन्नाथपुर भी है, साहेबगंज भी है, ठीक है, बहुत सारा कॉलेज है, बट टॉप लेवल में देखा जाए तो चार कॉलेज आपका यहाँ पे टॉप लेवल में आते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में, कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में आप नहीं जाना चाहते, पैसा बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके पास, आप चाहते हो कि हमको लैब वो बहुत, देखिए ये सब में क्या होता है कि फैसिलिटी है, बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होता है यार, ठीक है, जीपी धनबाद में भी लैब का फैसिलिटी बहुत है, बट यहाँ पे लैब नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। आप चाहते हो कि हम प्राइवेट कॉलेज में अच्छे तरीके से पैसा दे के हम अच्छे तरीके से पढ़ें, प्लेसमेंट भी आए हमको यहाँ पे, तो अगले वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि झारखंड का टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज कौन कौन चाहे पॉलिटेक्निक के लिए। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सका है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।